गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 10. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हियर सब्जेक्ट एक कोई सेंटेंस होता है. आपने देखा होगा सेंटेंस का जो फॉर्म हम लोग स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस चैप्टर में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है. हिंदी में हम लोग एग्रीमेंट को कहते हैं समझौता, राइट. और समझौता किस में है? सब्जेक्ट में और वर्ब में. हम लोग सब जानते हैं कि जब हम लोग सेंटेंस कोई बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं उसका ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, उसका प्रारूप ऐसे ही बनता है. पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ये चैप्टर है उसमें ये कहा गया है कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे. सब्जेक्ट मीन्स अगर सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर रहता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा. और अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा. यही जो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का वर्ब जो हम लोग लगाते हैं इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. इसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर. सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो नंबर यानी संख्या में एक दूसरे के साथ एग्री होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सूट करना चाहिए. अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को लगाना चाहिए. इट मीन्स इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे. जैसे यहाँ पे ये देखिए, ऐसे हम लोग लगाएंगे ही. मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लगते हैं ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है. तो सब्जेक्ट ही के साथ हम लोग वर्ब को क्या रख सकते हैं, ही इज, या हम लोग लिख सकते हैं ही वाज. क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज और वाज भी सिंगुलर में यूज होता है. यहाँ पे हम लोग आर या वर का यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है आर और वर ये प्लूरल है. तो हम लोग प्लूरल सिंगुलर के साथ हम लोग प्लूरल का यूज नहीं कर सकते. ये सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा. अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा दे, दे आर प्लेइंग. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब क्या हो गया? वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया. हमने यहाँ पर दे प्लूरल के साथ हमने यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं किया या वाज का प्रयोग नहीं किया. इज और वाज लगाना यहाँ पे गलत होगा. क्यों? क्योंकि इज और वाज ये सिंगुलर वर्ब है. तो इस जो चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग जो भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो भी हम लोगों का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भी यूज करेंगे. लुक एट दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल को देखिए. डेल्विन इज वेटिंग फॉर यू इन द बेडरूम. डेल्विन आपका बेडरूम में इंतजार कर रहा है. डेल्विन यहाँ पर वन पर्सन है, ये सिंगुलर है. इसके साथ हमने इज लगा दिया. इज सब्जेक्ट और वन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट दे आर वेटिंग फॉर यू इन द बेडरूम. दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. देखिए दिस इज द सब्जेक्ट एंड आर इज द वर्ब. दे के प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है. चूज द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट इट सेंटेंस. वी आर गोइंग टू डिज्नी लैंड इन मार्च. यहाँ पर एम है और आर है. आप हमेशा याद रखिएगा कि एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है. एम किसी और के साथ यूज कभी नहीं होगा. तो वी हम लोग, बहुत लोग हैं, आर प्लूरल. ही ऑलवेज शेयर्स हिज टॉयज विथ मी. ही सिंगुलर है, शेयर्स
हम लोग एस या ई एस सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं. प्लूरल रहेगा तो वर्ब एज इट इज रहेगा. सो वी यूज देयर शेयर. मैथ्यू ऑफन क्लाइम्स द फोर्थ फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स फॉर एक्सरसाइज. मैथ्यू वन पर्सन है जिसके लिए क्लाइम्स एस या ई एस सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस हम लोग जब लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होता है. नेक्स्ट वन माई सिस्टर्स आर कमिंग होम दिस वीकेंड. माई सिस्टर्स मेरी बहनें प्लूरल है उसके साथ प्लूरल लगा दिया. आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है. आई एम गोइंग टू पेरिस इन मे. आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है. हमने मैंने अभी पहले बताया आपको. नेक्स्ट वन दे ऑलवेज शेयर देयर टॉयज विथ मे. शेयर यहाँ शेयर्स नहीं होगा. शेयर इसलिए होगा कि ये दे जो है प्लूरल है और प्लूरल में हम लोग वर्ब को एज इट इज रखते हैं उसमें हम लोग एस आई एस नहीं लगाते. नेक्स्ट वन माई क्लास हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे. माई क्लास मेरा क्लास है एक ही क्लास है इसलिए हम लोगों ने हैज लगाया. हैव नहीं लगाया. हैव प्लूरल में लगाते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे. वी के साथ हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. You look nice in this that dress. You के साथ you अगर one person भी है तब भी उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग वर्ब में नहीं किया जाता है. A police officer works with the crime watch program to keep our neighborhood safe. आ पुलिस ऑफिसर के साथ works एस या ई एस लगा है. कंपाउंड सब्जेक्ट मैंने दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. A compound subject whose parts are joined by and usually takes a plural verb. यहाँ पे देखिए compound. Compound का मतलब होता है मिलकर बना हुआ. दो या दो से अधिक मिलकर बना हुआ उसको हम लोग compound कहते हैं. आप देखिए जैसे होगा My sister and her friends आर गोइंग. अब यहाँ देखिए माई सिस्टर ये भी सब्जेक्ट है. यहाँ एंड लगा है एंड उसके बाद लगा हर फ्रेंड्स उसके एंड ये भी सब्जेक्ट है. यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट मिलकर बना हुआ है. दो सब्जेक्ट मिलकर बना हुआ जब होता है कोई भी सब्जेक्ट जिसमें एंड का प्रयोग होता है एंड लग गया तो जब से भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है तो वो हमेशा आर हम लोग लगाएंगे यानी उसको हम लोग प्लूरल मानते हैं. इसको ध्यान रखिएगा जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग प्लूरल मानते हैं. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो वर्ब लगाया है उसे हम लोग आर लिखा है उसको हम लोगों ने इज नहीं लिखा है. रिमाइंड इट. फॉर एग्जाम्पल हिज डॉटर हिज सन वॉन्ट हिम टू मूव टू फ्लोरिडा. His daughter and his son. यहाँ पे दो सब्जेक्ट है. His daughter भी है और his son भी है. And से जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग इसको plural मानेंगे. Plural verb use होगा. Plural verb यहाँ पर want है. हम लोगों ने wants नहीं लगाया want लगाया. Want हम लोग verb को as it is रखते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट रहते हैं और वो and से जुड़ा होता है. नेक्स्ट इफ द टू joined पार्ट रेफर टू द सिंगल पर्सन और थिंग यूज द सिंगुलर वर्ब. अगर कोई दो पार्ट है उसको एक ही सिंगल पर्सन के रूप में या एक ही वस्तु के रूप में अगर देखा जाए. अगर दो ज्वाइन है दो सब्जेक्ट ज्वाइन है लेकिन उन दोनों सब्जेक्ट को एक सिंगल पर्सन के रूप में देखा जाए या एक सिंगल रूप में देखा जाए सिंगल मने अकेला एक तो हम लोग वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे रेस्टोरेंट शेफ एंड ओनर मेक्स गुड नूडल्स. अब रेस्टोरेंट का शेफ और ओनर यहाँ पे एंड लगा हुआ है लेकिन इन दोनों को एक ही के रूप में देखा जा रहा है एक ही सिंगल के रूप में देखा जा रहा है इसलिए यहाँ पर इसे सिंगुलर माना गया है और यहाँ पे हम लोगों ने मेक नहीं लगाया यहाँ पे मेक्स लगाया मेक्स गुड नूडल्स. नेक्स्ट अ कंपाउंड सब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ द टू सिंगुलर पार्ट दैट आर ज्वाइंट बाई और नॉट टेक्स अ सिंगुलर वर्ड. अगर दो सिंगुलर पार्ट हैं सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं लेकिन उसको ज्वाइन करने वाले शब्द और नॉर हैं. इसको ध्यान रखने की चीज़ है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उसको जोड़ने वाले शब्द हैं अगर और या नॉर रहेगा तो हम लोग उसके वर्ब कौन सा लगाएंगे हम लोग सिंगुलर का वर्ब लगाएंगे उसके हम लोग सिंगुलर या एक ही सिंगल ये व्यक्तियों से मानते हैं.
हर सिस्टर और हर पेरेंट्स प्लान टू विजिट हर नेक्स्ट वीक. हर सिस्टर और हर पेरेंट्स और से ये जुड़ा हुआ है. ही डजंट लाइक देम नॉर डज वॉटसन. यहाँ पे देखिए हर सिस्टर और हर फ्रेंड्स, ये पेरेंट्स से यहाँ पे प्लान्स होना चाहिए क्योंकि ये हमें हम लोग इसे सिंगुलर के रूप में लेते हैं. ही डजंट लाइक देम नॉर डज वॉटसन. यहाँ पे देखिए डज का प्रयोग हुआ है, जो डज है वो सिंगुलर के रूप में हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट, अ कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप ऑफ द वन सिंगुलर पार्ट एंड वन प्लूरल पार्ट दैट आर ज्वाइंट बाई आइदर और नाइदर नॉर मस्ट बी यूज एज ए वर्ब हुज मैचेस द नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब. यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट अगर होता है, जो सिंगुलर एक सिंगुलर और एक प्लूरल पार्ट होते हैं अगर सब्जेक्ट के, लेकिन वो आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, तो उसी के अनुसार वर्ब लगता है जो वर्ब के, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होता है. देखिए जब सब्जेक्ट है, जब दो सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, और वो दोनों सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या होता है. देखिए मान लीजिए जैसे है राम, आइदर राम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर. तो यहाँ पे देखिए आइदर राम ये किससे जुड़ा, आइदर राम और आइदर राम. ये जो राम एक सब्जेक्ट राम है और दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, ये देखिए ये वर्ब है, दिस इज वर्ब. ठीक है, ये कहने का मतलब है कि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट रहता है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब रहेगा. तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक है राम एक है हिज फ्रेंड्स, और वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के पास हिज सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है. हिज फ्रेंड्स क्या है, ज़्यादा है, प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स जो हैं वो प्लूरल हैं, इसलिए हम लोगों ने आर लगाया, जो आर भी यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए हम लोगों ने आर लगाया. ये आर का प्रयोग हम लोग राम के अनुसार नहीं करेंगे बल्कि उसके अनुसार करेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब के पास हो. इसी हिसाब से हम लोगों ने आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग करना है. आइदर द मेंबर्स और द जॉन नोज हु इज कमिंग टू द पार्टी. देखिए आइदर मेंबर्स और जॉन नोज, यहाँ पे नोज है, नोज जो है सिंगुलर के लिए लगता है, ये वर्ब है, और यहाँ पे जॉन जो है वो सिंगुलर है. यहाँ पर जॉन आपका देखिए वर्ब के पास जो आपका सब्जेक्ट है वो अकेला है, सिंगुलर है, इससे यहाँ पर हम लोग नोज लगाते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, नो हु इज कमिंग टू द पार्टी. नेक्स्ट, नाइदर जो नॉर द किड्स वॉन्ट पिज्जा. अब किड्स है, यहाँ पे वॉन्ट जो है ये वर्ब है, ये सिंगुलर नहीं ये प्लूरल वर्ब है. प्लूरल वर्ब हमने इसलिए लगाया कि एक तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट, एक है जो एंड एक है किड्स, किड्स माने बच्चे ज़्यादा हैं, तो प्लूरल वर्ब जो है, प्लूरल सब्जेक्ट जो है, इसके साथ हम लोगों ने प्लूरल का वर्ब लगाया जो कि है वॉन्ट. When each and every use a subject that has two or more parts joined by and verb is singular, every boy and girl gets a merit. यहाँ पर देखिए verb जो subject है वो अगर उसके पहले अगर each या every लगता है, देखिएगा each या every, इसका दोनों का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक. जब भी कोई भी सब्जेक्ट के पास ईच या एवरी होता है और वो एंड से जुड़ा रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा तो उसमें वर्ब रहता है, उसमें वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो रहेगा हमारा सिंगुलर. क्योंकि हम लोग ईच या एवरी जब हम लोग लगाते हैं उसका उन्हें प्रत्येक या हर एक, एक की बात हम लोग करते हैं बहुत सारे ग्रुप में, तो और वो अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो उसके लिए वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो है सिंगुलर. जैसे देखिए यहाँ पर है, ये आप लिख सकते हैं ईच बॉय एंड गर्ल गेट्स अ स्वीट. तो यहाँ देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने वाले शब्द एंड है,
लेकिन ईच लगा है, ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। और लेकिन यहाँ पर वर्ब जब हम लोग लगाते हैं, ये वर्ब है, वर्ब जो हम लोग लगाते हैं उसको लगाते हैं, हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ईच या एवरी के साथ जब भी हमारा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आएगा जो एंड से जुड़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ईच बॉय एंड गर्ल गेट्स ए मेरिट सर्टिफिकेट। ईच बॉय, एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, एंड से जुड़ा हुआ है, एवरी लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ जो वर्ब लगाना है वो सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो गेट्स, गेट्स जो है वर्ब में, जो वर्ब है वर्ब में हम लोग एस आई एस लगाते हैं जब सिंगुलर होता है, हम लोगों ने गेट्स लगाया है, दैट इज करेक्ट। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड, कंप्लीट इट सेंटेंस। सनी टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गो स्नोबोर्डिंग एवरी वीक। सनी टुगेदर, अगर टुगेदर लगता है और उसका देखिए विथ लगा हुआ है, विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर विथ हिज फ्रेंड जो है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर गो लगाया है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल का वर्ब है। नेक्स्ट, आइस, स्नो एंड आइस आर ऑन द रोड, एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर हो गए जो एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर प्लूरल का वर्ब लगाया है। नाइदर डार्सी नॉर द बॉयज एक्सेप्ट अ कोल्ड विंटर। देखिए कहा गया था ना कि नाइदर से अगर जुड़ा हुआ हो और वही वर्ब के साथ सब्जेक्ट माना जाता है जो वर्ब के पास हो, तो वर्ब के पास कौन है, बॉयज है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है एक्सपेक्ट जो प्लूरल का वर्ब है। नेक्स्ट, आइदर डार्नेल और ल्यूकियस डजेंट लाइक द स्नो। यहाँ पे देखिए ल्यूकियस, आइदर और से जुड़ा हुआ, आइदर और से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है, ल्यूकस एक ही पर्सन है और वर्ब के पास है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, डजेंट, ये सिंगुलर है, ल्यूकस सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब लगाया। नेक्स्ट, सीन एंड जोनाथन एंजॉय स्नोबोर्डिंग, एंड से जुड़ा हुआ है, दो लोग हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो दो के लिए हम लोगों ने प्लूरल का वर्ब लगाया एंजॉय। Neither Brownie nor the neighborhood dogs enjoy going inside. Neither Brownie nor, nor से, neither और nor से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब के पास कौन है, neighborhood dogs, plural है, इसलिए हम लोगों ने plural का वर्ब लगाया enjoy. John and Jonathan don't want to play. And से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट हैं, and से जुड़े हुए हैं, जो plural का वर्ब लगाते हैं, हम लोगों ने plural का वर्ब लगाया don't. The girls and their family travel often. Girls and their family, देखिए and से जुड़ा हुआ है, दो है, family है, तो वो travel, plural का verb, plural का subject के साथ हम लोगों ने and लगाया, इसलिए plural का verb लगाया। Either the students or Mr. Jones declines the invitation. Either एक या student या John. तो यहाँ पर जो लिखा था कि either or के साथ हम लोग जब वो जुड़ता है तो सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट रहता है, तो वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, मिस्टर जोन्स, इसलिए हम लोगों ने सिंगुलर का वर्ब यूज किया यहाँ पर डिक्लाइंस। वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगता है। नेक्स्ट, नाइदर मिस्टर, नाइदर मिसेस जैविन नॉर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस। नाइदर नॉर लगा हुआ है और ये वर्ब के पास, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स, जो प्लूरल में है, प्लूरल के लिए हम लोगों ने प्लूरल का वर्ब लगाया है। वेयर वर ब्रेंडा एंड द अदर्स व्हेन वी नीडेड देयर हेल्प। वेयर वेयर, कहाँ है ब्रेंडा और अदर्स, ये जो सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, ये तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ हम लोगों ने प्लूरल का वर्ब लगाया है वर, ये स्वास जो है वो सिंगुलर का वर्ब है। नेक्स्ट, गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस वर जॉन एंड हिज टू फ्रेंड। एंड से जुड़ा हुआ है, जॉन और उसके दोनों फ्रेंड, और वो जो हैं प्लूरल के सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्लूरल का वर्ब लगाया है वर, वाज सिंगुलर का वर्ब है। डू नॉट मिसलीड बाय द फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब।
द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट विद द नाउन एंड प्रोनाउन इन द फ्रेज। ये कहने का मतलब ये है कि नॉट बी मिसलेड, ये इधर उधर नहीं भटको। अगर सब्जेक्ट में बीच में कोई फ्रेज आता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बीच में अगर कोई फ्रेज आता है, उसके जो नाउन एंड प्रोनाउन है उससे हम लोगों को भटकना नहीं है। हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, उसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि वर्ब जो होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, न कि फ्रेज के नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। तो आपको ये चीज़ देखनी है, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी बीच में फ्रेज आता है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान रखना है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसी के अनुसार हमें वर्ब लगाना है। यहाँ पे देखिए, जैसे सेंटेंस है माई ब्रदर विथ हिज फ्रेंड्स प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे जो विथ हिज फ्रेंड्स है ये फ्रेज है, ठीक है। हमें इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, हमारा ध्यान रखना चाहिए किस पर, ये माई ब्रदर पर। जो माई ब्रदर है ये सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल है, एक वचन है। तो माई ब्रदर के साथ अब हम लोग किस पर ध्यान देंगे, हम लोग अपने वर्ब पर ध्यान देंगे। ये क्या है, ये ही वर्ब है, और वर्ब मैंने क्या लगाया, प्लेज। तो हम लोगों ने ये जो विथ हिज फ्रेंड्स है, जो कि फ्रेज है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ध्यान देना है सीधा इसके सब्जेक्ट पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर का वर्ब लगेगा। ये जो हमने वर्ब लगाया है ये देखिए सिंगुलर का वर्ब है। तो इसलिए इसमें कहने का ये मतलब है, बुक में यही बताया जा रहा है कि आप सब्जेक्ट पर ध्यान रखिए, डोंट मिसलीड विद द फ्रेज, ये जो जिसमें विच हैज द नाउन एंड प्रोनाउन, इस फ्रेज पर ध्यान नहीं दीजिए, इस फ्रेज से कंफ्यूज नहीं हुई हो जाइए जिसमें नाउन एंड प्रोनाउन है। आपका ध्यान सिर्फ आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए, जिसके अनुसार आप अपना वर्ब को यहाँ पर लगाएंगे, राइट। यही यहाँ पे ये भी यही कहा गया, डोंट बी मिसलेड विद द फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। कोई भी कंफ्यूज मत होइए, वहाँ पे भटकिए नहीं फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो फ्रेज आ रहा है, क्योंकि द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, नॉट विद द नाउन एंड प्रोनाउन इन इट्स फ्रेज। फ्रेज में आए गए नाउन एंड प्रोनाउन के उसके साथ ये एग्री नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन। अब देखिए वन ऑफ द बॉक्सेस, यहाँ पे वन से मतलब है ऑफ द बॉक्सेस से नहीं, सारे बॉक्सेस में एक खुला है, इसलिए इज लगा है सिंगुलर, वन के साथ सिंगुलर लगा। द पीपल हु लिसन्स टू दैट म्यूजिक आर फ्यू, हु लिसन्स टू द म्यूजिक से नहीं मतलब है, हम लोग को मतलब है किससे, द पीपल से, लोग, लोग बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आर लगा दिया। द टीम कैप्टन एज वेल एज इज प्लेयर्स इज एंशियस, एज वेल एज से ये जो टीम कैप्टन से हम लोग को, इसके फ्रेज से हमें नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, इसकी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, टीम कैप्टन है, एक कैप्टन है, हम लोगों ने इज लगा दिया सिंगुलर। द बुक इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स इन द फर्स्ट सेक्शन इज बोरिंग, द बुक की बात की जा रही है जिसमें सारे चैप्टर हैं, तो ये फ्रेज को नहीं हम लोगों ने देखना है, सब्जेक्ट द बुक, इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाया, इज बोरिंग, इज, ये सिंगुलर वर्ब लगाया। द वोमेन विथ ऑल इट्स डॉग वॉक्स डाउन माई स्ट्रीट, द वोमेन, वॉक्स जो है ये सिंगुलर का वर्ब है, और ये वॉक्स किसके लिए लगा है, द वोमेन के लिए लगा, विथ ऑल इट डॉग से नहीं मतलब है, हमारा मतलब है हमको समझना है यहाँ पे सब्जेक्ट वोमेन के बारे में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इनडिफिनिट प्रोनाउन, देखिए हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन का एक काइंड है इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे अनिश्चित कहते हैं, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, कुछ भी हो सकते हैं। जो इनडिफिनिट प्रोनाउन है जैसे कि ईच, ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, समबॉडी, Someone and no one are singular and require a singular verb. इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे जितने भी वर्ब पर, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़े गए हैं, जो कि
इनडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित प्रोनाउन है जिसमें संख्या ज्ञात नहीं है, ईच, वन, नाइदर, आइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, नो वन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और इनके साथ हम लोग हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये ध्यान देने की बात है, याद करने की बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स इज जूसी। हॉट दीज हॉट डॉग्स ना ईच से मतलब है हम लोग को, ईच, ईच मैंने एक, प्रत्येक, एक की बात की गई है, इज सिंगुलर लगा। एवरीबडी नोज मिस्टर जोन्स, एवरीबडी सिंगुलर है, सिंगुलर लगा, नोज सिंगुलर है। आइदर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक सही है। आइदर बताया गया है कि आइदर जब होगा तो हम लोग उसको सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। एनी वन हु वॉन्ट्स टू परस्यू द हायर एजुकेशन हैज टू पास एंट्रेंस एग्जाम। एनी वन हु वॉन्ट टू पास, एनी वन कोई भी जो हायर एजुकेशन पास करना चाहता हैज टू पास, यहाँ पे देखिए हैज लगा है, हैज वर्ब है, यहाँ पे हैव नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनी वन लिखा हुआ है, एनी वन सिंगुलर मानते हैं तो हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाया। एवरी वन इन द कम्युनिटी इज वेलकम टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडिया। एवरी वन प्रत्येक, एवरी वन है, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनी बॉडी, एनी वन, ये जो सिंगुलर का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इस सिंगुलर का वर्ब लगा है। सम वर्ड्स लाइक द, अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल आर ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक रिमाइंड करने वाली बात हो गई, एक फिर से याद करने वाली बात यहाँ पर ये आ गई कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, ये सारे जितने सब्जेक्ट हैं हम लोगों ने उसको सिंगुलर माना है। उसी प्रकार से कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं जैसे बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल। बोथ मने दोनों, फ्यू मने कई, मेनी मतलब फ्यू हम लोग जब गिनते हैं किसी को, मेनी मतलब कई लोग, बहुत सारे, और सेवरल मने भी कई होता है। तो ये जो हैं ये एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा वस्तुओं को संकेत करते हैं, इसलिए ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, यहाँ पे हमेशा प्लूरल के वर्ब लगेंगे क्योंकि ये जो है बोथ, फ्यू, मेनी और सेवरल ये प्लूरल के सब्जेक्ट है तो प्लूरल का वर्ब भी लगेगा। अब एग्जांपल देखते हैं, फ्यू ऑफ माय नेबर्स हैव पैराकेट्स, कुछ हमारे नेबर्स के पास पैराकेट है, तो फ्यू है ना, यहाँ पे फ्यू के साथ देखिए हैव लग गया। मेनी ऑफ देम कीप डॉग्स, मेनी यहाँ पे मेनी है तो कीप लगा है, आज कीप जो है वो प्लूरल वर्ब है, अगर हमें सिंगुलर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पास एस लगा देंगे, लेकिन हमें तो सिंगुलर करना नहीं है, हमें प्लूरल मानना है, मेनी के साथ प्लूरल का वर्ब लगा। नाउन्स सच एज द सिविक्स, मैथमेटिक्स, डॉलर, मेजल्स एंड न्यूज आर रिक्वायर्ड द सिंगुलर वर्ब। आप देखिए कुछ नाउन है जिसमें देखिए सिविक्स है, मैथमेटिक, डॉलर, मेजल्स एंड न्यूज, इस सब में एस लगा हुआ है लेकिन ये कोई भी प्लूरल नहीं है, कहने के लिए इसमें एस लगा है लेकिन हम इसे प्लूरल नहीं मानते हैं, हम इसे सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब के रूप में ही हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे देखिए द न्यूज़ इज ऑन एट सिक्स, अब देखो न्यूज़ के साथ एस लगा है, हमने ये नहीं करना है कि न्यूज़ एस लगा है तो हम इसको प्लूरल मारें, नो, दिस इज सिंगुलर। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है ना, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं, हालांकि हम लोग इसमें एस लगाते हैं लेकिन ये हम लोग इसमें एस लगाने के बावजूद जिसे एक ही सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर मान के हम लोग सिंगुलर का वर्ब लगाते हैं। ऑथरशिप द वर्ड डॉलर इज ए स्पेशल केस, डॉलर्स के लिए एक अलग केस हो जाता है। व्हेन टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, जब हम लोग अमाउंट जब बताते हैं, रुपया बताते हैं, इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब होता है। बट व्हेन रेफरिंग टू द डॉलर्स देमसेल्फ, लेकिन लेकिन हम लोग जब डॉलर्स बोलते हैं तो ये प्लूरल वर्ब होगा। कैसे देखिए, फाइव डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी, फाइव डॉलर्स है, फाइव डॉलर्स बोला उसमें अमाउंट बता दिया अगर तो वहाँ पे इज लगेगा, और डॉलर्स आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ द रूबल्स इन
रशिया और डॉलर बताएंगे तो यहाँ पर आर लगेगा। Nouns such as a scissors, tweezers, trousers, shears require the plural verb. They are two part of these things. ये दो part होते हैं ना, जो scissors हैं जैसे चाकू हैं, trousers हैं जो हम लोग पैंट पहनते हैं ट्राउजर, इसको क्या कहते हैं, require plural verb, इसमें plural verb की ज़रूरत होती है। They are two parts of these things, क्योंकि इसमें दो part रहता है। जैसे these scissors are dull, scissors dull. Those trousers are made of wool. उसमें दो चीजें, दो पैर का रहता है ट्राउजर में, यहाँ पे आर रहेगा। In sentence beginning with there, is, there are, the subject follows the verb. अगर कोई भी सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं there is और there are से, तो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको माना जाता है। Since there is not subject, verb agrees with what follows. क्योंकि देखिए there जो है, हम लोग यहाँ, there माने यहाँ, तो देयर मीन्स वहाँ। देयर हम लोग कहते हैं, लगाते हैं सेंटेंस को शुरू करने के पहले हम लोग देयर लगा, लेकिन वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे देखिए देयर आर मेनी क्वेश्चन, देयर आर, अब मेनी आर है ना, सब्जेक्ट के बाद जो आया है मेनी यहाँ पर आया, इसलिए यहाँ पर हमने आर लगा दिया वर्ब, ठीक है, देयर से कोई मतलब नहीं। देयर इज अ क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन के साथ तो इज ही लगेगा, सिंगुलर का वर्ब लगेगा, यहाँ पे देयर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि देयर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन आर द वर्ड दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट दैट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब सच एज द ग्रुप, टीम, कमिटी, क्लास एंड फैमिली। यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि कलेक्टिव नाउन जो है उसको हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। हाँ, कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड होता है, जो भी वर्ड आएगा वो एक पर्सन के रूप में ही माना जाएगा। हालांकि टीम में कई मेंबर रहते हैं, क्राउड हम लोग बोले, जैसे कि हम लोग कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने कहते हैं टीम, क्राउड, ज्यूरी, ठीक है, बंच, तो उसमें एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु तो होती नहीं, उसमें कई वस्तु होती है, लेकिन उसके उन सारे चीज़ों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको वन पर्सन मानते हैं और वन पर्सन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कैसे देखिएगा, द टीम रन्स प्रैक्टिस, द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, टीम है, एक ही टीम को माना गया, भले टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं लेकिन उनका रन सिंगुलर लगाया गया। कमिटी डिसाइड्स हाउ टू कमिट, कमिटी में एक व्यक्ति तो रहता नहीं है, कई व्यक्ति रहते हैं, लेकिन इसको वन माना गया, सिंगुलर माना गया, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड्स वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब बनाया है। फैमिली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, फैमिली परिवार में कई लोग रहते हैं लेकिन एक ही माना गया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा है, इसे सिंगुलर माना गया इसलिए हैज़ लगा है, हैज़ वर्ब है, हैव हम लोगों ने नहीं लगाया। द क्रू इज प्रिपेयरिंग टू डॉक द शिप, क्रू, क्रू मेंबर होते हैं, क्रू जो शिप में क्रू मेंबर्स होते हैं, तो एक ही क्रू नहीं होता, मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन सच एज विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, अकॉम्पेनीड बाई, इन एडिशन टू और एज वेल, डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज टू, अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के साथ अगर विथ रहता है, टुगेदर विथ रहता है, इंक्लूडिंग रहता है, अकॉम्पेनीड बाई रहता है, इन एडिशन रहता है और एज वेल रहता है, तो सब्जेक्ट का जो नंबर है, सब्जेक्ट की संख्या चेंज नहीं होती, जो सब्जेक्ट है हम लोग उस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट क्या है उसकी संख्या पर ध्यान देंगे, उसकी संख्या को वो चेंज नहीं कर सकता।
इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा। जैसे देखिए, द प्रेसिडेंट अकॉम्पेनिड बाई हिज वाइफ इज ट्रेवलिंग टू इंडिया। यहाँ पे देखो, अकॉम्पेनिड बाई हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी साथ में है, अकॉम्पेनिड मैंने साथ में, उनको इसको इंक्लूड नहीं किया गया, हम लोगों ने सिर्फ किस पर ध्यान दिया, प्रेसिडेंट पर। तो प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ पर वर्ब इज लगा है। All the books including yours are in that box. All the books, सारे books including yours से नहीं मतलब है, यहाँ पे ये subject है all the books, ठीक है, हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। तो all the books यहाँ पे plural है, इसके लिए हम लोगों ने plural का are verb लगाया है। Introductory words such as here, there, where are never subject of sentence. हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इंट्रोडक्टरी वर्ड, कुछ वर्ड से शुरू करते हैं हम लोग जब सेंटेंस, उसमें हम लोग हेयर लगाते हैं, देयर लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, इसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यूजली फॉलोज द वर्ब, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा फॉलोज द वर्ब, फॉलोज द वर्ब माने वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, दैट मीन्स वर्ब के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट पर ध्यान रखेंगे तब उसका वर्ब लिखेंगे, ओके। अंडरलाइन द वर्ब इन द पैरेंथेसिस दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब देखिए, ईच ऑफ दिस एप्पल्स वॉज, ईच लगा है इसलिए हम लोगों ने वॉज लगा दिया, वॉज राइप। नो वन एक्सेप्ट डाउना एंड ग्रेस वॉज एक्साइटेड, नो वन, कोई भी नहीं, तो नो वन के साथ बताया है, नो वन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाया। ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स ओनली वन हैज रिटन टू मी, सारे फ्रेंड्स में ओनली वन, सिर्फ एक ने लिखा, किसी ने लिखा और सारे फ्रेंड्स में ओनली वन, एक ही ने लिखा, तो एक है तो सिंगुलर है, हैज लगा। वन ऑफ दिस डॉग्स हैज हैव प्लीज, वन ऑफ दिस डॉग, इन डॉग में एक, एक है, वन, वन के लिए हम लोगों ने हैज सिंगुलर वर्ब लगाया है। नो वन ऑफ ऑल द सिंगर्स इन द टाउन गिव्स अ फाइनल लेसन, नो वन, कोई भी नहीं, नो वन को सिंगुलर माना गया है, सिंगुलर कहा गया है, पहले आपको बताया मैंने, इसके लिए हम लोगों ने गिव्स लगाया वर्ब के साथ, ऐसी आई एस का प्रयोग। नेक्स्ट वन, सेवरल इन द ग्रुप डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, सेवरल इन द ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे, तो सेवरल जो है वो कई होते हैं, इसको प्लूरल माना गया है, तो हम लोगों ने इसलिए डाउट लगाया वर्ब के साथ, एस आई एस नहीं लगा है, दैट मीन्स इज इट, इट इज प्लूरल। बास्केटबॉल्स, बास्केटबॉल्स कई हैं, रोल अक्रॉस द फ्लोर, रोल लगा है वर्ब का सिंपल फॉर्म, इसमें एस आई एस नहीं लगा। पीटर डजंट लाइक वेजिटेबल्स, डजंट के साथ हमेशा लाइक लगता है, एस आई एस नहीं लगता। These clothes are, these clothes बहुत ज़्यादा हैं, वो का आर लगा है, is too small for me. Next one, in July committee makes a decision about the location of the August picnic. Committee, committee तो में सारे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसे सिंगुलर के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर makes लगाया। Edit the following paragraph करेक्टिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन, वी इज नहीं होगा यहाँ पर, वी आर होगा। ऑन आर वैकेशन टू फ्लोरिडा माई सिस्टर लाइक इट, लाइक नहीं होगा यहाँ पर, लाइक्स होगा, माई सिस्टर लाइक्स, एस रहेगा क्योंकि माई सिस्टर अकेली है। वेन गो वी गो टू फ्लोरिडा बिकॉज शी गेट टू स्विम इन द सी, गेट टू टू स्विम, बिकॉज शी गेट्स टू स्विम। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट्स नहीं होगा, आई, माई ब्रदर एंड वाई, आई के साथ यहाँ पे वॉन्ट लगेगा, माई ब्रदर एंड वाई आई गो टू द डीप सी फिशिंग वाइल्ड वी आर देयर। माई डैड से, मेरे डैड, नॉट से, इट इज सेज, माई डैड सेज, यहाँ पर सेज लगेगा, सिंगुलर है, दैट इज ही इज गोइंग टू टेक अस इन दिस टाइम, आई श्योरली होप्स, आई के साथ होप्स नहीं लगता है, होप, I surely hopes the weather is, weather के साथ यहाँ पर R नहीं होगा, यहाँ पर is होगा, weather is good so we can go,
वाइल माई मॉम एंड सिस्टर स्विम्स इन द सी, स्विम्स नहीं होगा यहाँ पे, स्विम होगा, सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे दो लोग हैं, एंड से जुड़ा हुआ है, स्विम इन द सी, वी आर गोइंग टू कैचिंग फिश फॉर आवर डिनर, देन वाइल मॉम कुक फिश, कुक फिश नहीं होगा, कुक्स द फिश, मॉम सिंगुलर है, यहाँ पे कुक्स होगा, कुक्स द फिश, माई डैड एंड आई आर गोइंग टू स्विम्स, गोइंग टू स्विम्स नहीं होता है, गोइंग टू स्विम होता है, एंड हैव ए गुड टाइम, डू द एक्सरसाइज इन योर बुक, थैंक यू स्टूडेंट्स।